नाज़रीन आज एक बार फिर हमारे साथ हैं चौधरी साहब। अस्सलामु अलैकुम जोय साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छे हैं जोय साहब आप? वाकई हाल पूछन डे या मजा लेन डे? क्यों जोय साहब, आजकल इसी तरह के मैसेज मौसूल हो रहे हैं ना? चोरी साहब हूँ अच्छे रहे हो। कोई कह रहे चोरी साहब हूँ की बनेगा। अच्छा। कोई पूछ रहे चोरी साहब कलियां डरते नहीं लगन दे? ये जानबूझ के मजाक उड़ाते हैं, जेदा लेते हैं। या मीर मुकाम के जाने के बाद मैं एक दिन फ्रूट लेने के लिए गया हूँ। अच्छा। और मैंने फ्रूट वाले से कहा 5 किलो सेब दे दो। कहते जी 10 किलो ले जाओ, मीर मुकाम तो उन्हें चला भी है। हम तारक की जान तो बाद में गया जी, मैं चल 2 सेब दे दे। कहते एक तो तुम खा लो, दूजे नाल क्रिकेट खेडनी। तारिक कौन? गालिबन आप तारिक अजीम की बात कर रहे हैं। अबे जी अजीम उदों सी जदों काफली सी, हुण ते सादा तारिक कहंदे दिल्ली करदे। अच्छा साहब, कल तक तो आप उनकी तारीफें किया करते थे। कल तक वो भी भारी तारीफें किया करते थे, असीं भी कर छड़दे थे यार, चलो जी नूं जी। हुण तूं नूं जीत नहीं ना हुंदा हुंदा। तारीफ मैंने उसकी कभी लंबी चौड़ी नहीं की, बस 2 चीजें उसकी मुझे अच्छी लगती। वो क्या? एक वो उर्दू बड़ी अच्छी बोलता था। अच्छा। दूजा खांदा घट थी। उर्दू उसकी अच्छी हो गई थी। टेलीविजन के ऊपर प्रोग्रामों में बैठ बैठ के उर्दू उसने ठीक कर ली हुई थी। अच्छा। बहुत उर्दू बोलता था। हूं तो ना मुराद खंघता भी उर्दू ची। और वाहिद आदमी सी काफली जी जेड़ा उर्दू उर्दू ची बोलता सी। क्या मतलब? वरना काफली जी ज्यादा लोग उर्दू पंजाबी ची बोलते। वो तो चौधरियों के डेरे से बह के उर्दू बोली जाता है। मैंने तो इसकी उर्दू से तंग आके एक दिन परवेज साहब से कहा था कि यार लखनऊ च भी काफली बना लो, इसको उसका हेड लगा देते हैं या अपना उर्दू का शौक पूरा कर ले उधर जा। ये तो आप खाम खा गुस्सा निकाल रहे हैं। मतलब जो पार्टी से निकल गए उसमें गुस्सा ही निकाल रहे। तारिक अजीम बहुत खूबसूरत बोलते थे। अरे ये बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, लता नाल आवाज मिलती है। एड़ा गाना नहीं पंख होते तू उड़ाती रे, तारिक अजीम ने गाया जी। देखो कदों गाया तो उड़े कदों ने। ये तो आप माने ना कि तारिक अजीम साहब बहुत पढ़े लिखे और जहीन आदमी है। है नहीं थे जी? थे क्यों? वो साडे लो तो थे ही हो गए ना, तुसी कही जाओ है सानू भी। बड़े जहीन आदमी सन। क्या बात है, जंतरी का इंग्लिश ही तर्जमा करके लंदन ट्राम से भेजता रहा है। बड़ा जहीन आदमी थी। पहली बार इन्हें दसिया कि भाई जी जो अलफ हों खड़ा हों, बल्कि इन्हें नाल भी रिसर्च की कि बेल भी खड़ा होना सी। अच्छा। ए बे की कमर से फिंसी निकली तो लम्मी पई, बल्कि एक दिन नाल 2 फिंसियां और निकल आते फिर पे बन जाते, और अगर 5 फिंसियां निकल आते पे तो निकल आती। बड़ा सही ना आदमी है, बल्कि पेतमार बॉर्डर भी पहली बार ये नहीं बनाया था। सारी बातें छोड़ें, ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कब हो रही है? किस खबरें तो सुनने को मिल रही हैं? नहीं जी नहीं, हमने कोई जरूरत हमें नहीं है मुलाकात करने की। हम मुलाकात के हमने किस लिए हमने मुलाकात करनी? हमें कोई जरूरत नहीं है सुलह करने की। नवाज शरीफ साहब अलबत्ता हमें पैगाम भेज रहे हैं सुलह के लिए। अच्छा। हाँ हाँ, ये भी पिछले दिनों एक नून लीग के MNA ने मुझसे पूछा कि चोरी साहब और की हाल है। अच्छा। ये और की मतलब है? ये सुलाई करनी चाह रहे हैं जी। चौधरी साहब उन्होंने आपका हाल पूछा है? वो हाल साडा साडे कोलो अपने नहीं पूछन दे ते बगाने कादली पूछन दे, को मकसद है तो पूछ रहे हैं। चौधरी साहब अगर नवाज शरीफ साहब सुलह के लिए पहल करें फिर तो आप तैयार हैं ना? ये क्या कर रहे हैं? गर्दन दर्द हो रही है, की पूछे तुसी? मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब सुलह के लिए पहल करें फिर आप तैयार हैं? जी आपके इस सवाल से मुझे एक वाक्य याद आ गया। मैं और मेरा एक दोस्त एक दफा चले गए जंगल में शिकार के लिए। अच्छा। 2-3 दिन से हम जंगल में जनाब ऊपर से रास्ता भूल गए, गाड़ी पंचर हो गई, भूख बड़ी सख्त लगी हुई थी, ना करीब कोई होटल ना दुकान,
मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार को बातें ही सुनाओ, चलो भूख की तरफ से ध्यान हटेगा। उसने बातें क्या शुरू कर दी, कहते चोरी साहब अगर निहारी अच्छी पकी हो ना तो उसके ऊपर अदरक डाल के तो ऊपर अगर नींबू निचोड़ लेना तो बादी मर जाती है। मैं बर्दाश्त कर गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर कहते चोरी साहब अगर करेले पकाने हो ना तो उनमें पुठ का गोश्त ही बकरे का होना चाहिए। मैं फिर बर्दाश्त कर गया, मैंने कहा चलो खैर है, इसके मुंह से निकल गया होगा वरना भूखे बंदे के मुंह से पुठ का गोश्त नहीं निकलता। फिर मुझे कहते हैं चोरी साहब अगर गाजरों के हलवे में खोया ना डालें तो उसकी तासीर भी नहीं बनती और उसका टेस्ट भी नहीं बनता। लो जुनैद साहब मैं डिग्गी जो डंडा काट लिया, मार मार के मैं तो हलवा बनाता। तुसी की सवाल पूछे सी। मैंने कोई सवाल नहीं किया। अजीम ये था आज का हंस पे हाल, खुश रहे खुश रखे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज। सवाल तो पूछे।